अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं इब्राहिम शेखपुर, मैं मुमरा चन्नीपाड़ा के पास जो सारा इंग्लिश हाई स्कूल है वहाँ पर आज बच्चों का एक फनफेयर है और फनफेयर में हम लोग आए, हमारी पूरी टीम आई है और अब जाने के लिए बच्चे लोगों ने क्या नाम बेटा? खानी रंग। क्या गेम है आपके? बॉल है जिसको पासिंग करके आपको 1 मिनट में 3 बॉल डालना है, आपको 5 बॉल्स मिलेंगे। और सेकेंड गेम है जिसको आपको वहाँ पर खड़े होकर इसको भी, इसमें भी 5 बॉल्स मिलेंगे, आपको 3 बॉल डालना है इसमें। अगर कोई जीत गया तो प्राइस, तो आपको ये आपका कूपन रिटर्न होगा बस 5 रुपये। अभी ये मोमबत्ती का गेम है, 2 कांटी में मोमबत्ती जलाने का है, तो मैं जलाऊंगा मोमबत्ती अभी। तो बड़ा दे मैं जला दूँ, 2 कांटी में पूरा, 2 कांटी आपको 1 कांटी में पूरा जलाना है, फिर मैं पूरा नहीं जला तो बुझा दूंगा, फिर दूसरे कांटी में। आउट हो गया, आउट 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 हो। कोई बात नहीं, छोड़ ठीक है। बेटा नाम क्या है? नूर खान। दिमाग में कैसा ये? कौन बताया था? भाई ने। मतलब तुमको पता है कि 1 कांटी में 10 नहीं जले, कितनी 10 है? जलती है, कुछ बच्चे जीत के गए अभी। ये बच्चा जीत, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में? 9th। सेवपुरी। अरे बाप रे, मोनो को बिस्किट में सेवपुरी पहली बार देखा मैं। सारा स्कूल मिनी शेफ। तो कौन मलाई? अभी क्या आपका क्या डिश क्या है? मुनेगो शेवपुरी। कहाँ से आपके दिमाग में है सब? है आइंस्टाइन का दिमाग है, आइंस्टाइन का दिमाग है। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में? 8th में। नाम क्या है? जैद। क्या बना जैद? हाँ, क्या बनाया हो? नूडल्स। नूडल्स के अंदर पूरा सूखा है, ये कैसा है नूडल्स? सूखा नहीं है, सूख गया हवा से। अच्छा, सूख गया। हाँ, तो गिल्ला नहीं अच्छा लगेगा ना, चटनी डाल के दे रही ना, अच्छा लगेगा ना। कितने का बेच रहे हो? 5 रुपए में। मजा आ रहा है? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, बड़े होके क्या बनेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर सब। पायल। महक ने क्या बनाया? टेस्ट करूंगा मैं, इतना नहीं बहुत है बेटा। मतलब मैं बोल रहा हूँ माशाल्लाह, बच्चों के हाथ में इतना टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी है। अभी यहाँ पर बड़े बड़े बच्चे भी है, बड़े बच्चे देखो अब्दुल्ला ऐसे अच्छे से एकदम खड़े हैं। क्या है, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, बोनी नहीं हो रही है। सुबह से ऐसे ऐसे लोग आ जा रहे, फ्री में खा के चले जा रहे, कैसे कैसे लोग है यार। बोनी नहीं हो रही? नहीं यार, देखो ना, सब ऐसे खाते में लिखा के चले जा रहे। खाते में कैसे बेटा, वहाँ तो पैसा ले, अनवर भाई पैसा ले रहे, क्लास वाले ही आ रहे ना। अच्छा। तो बोल रहे दोस्त पहचान है, तो छोड़ ना, खिला दे, क्या होता है। हम लोग का दिल बड़ा है, इस वजह से दे देते हम लोग भी। मुझे भी खिला दे। ए दे। नहीं नहीं नहीं, मैं खाया, चल नहीं नहीं नहीं, मजाक। क्या क्या नाम है? सिद्दीकी अयान। बॉस्को स्कूल के बाद यूनिफॉर्म कहाँ है आपका? यूनिफॉर्म काम कर रहा था तो यूनिफॉर्म नहीं पहन के आया, गंदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सब बच्चे यूनिफॉर्म में। यस, आपके यूनिफॉर्म कहाँ है? वही धुलने में रख दिया यूनिफॉर्म। पड़ गया था बैट तो सिले दियो। उनके खिलाफ है अभी। हाँ हाँ, फाइन लगेगा। प्रिंसिपल साहब से बोलते हैं इनको फाइन मारो। ये मेरे हमारे मेरे बिल्डिंग में रहती है, क्या नाम? अंसारी मुस्कान। झूठ नहीं पा, ढोकला कहाँ से लाई? ढोकला घर में बनाए, इब्राहिम अंकल बेइज्जती नहीं करो। ढोकला घर में बनाए, इसलिए ऐसा है। हो सकता है, अच्छा इसलिए ऐसा है। इसलिए ऐसा मतलब इसने साबित कर दी कि ढोकला मार्केट के ऐसा नहीं। रख दूँ मतलब खाऊं नहीं? खाऊं। कैसा लग रहा है? बहुत बकवास लग रहा है, सुबह से कुछ भी नहीं दिखा, दिमाग खराब। गांव में पार्टिसिपेट कर ली, बोली नहीं हो रही है। क्यों? क्या पता, तब ऐसे आ रहे फ्री में कागज आ रहे उठा कर, कोई आ ही नहीं रहा है सुबह से। एक 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 पीस छोटा वाला, ये छोटा पीस कैसा है? चटनी डालना?
पैसा दे दूंगा मेरे घर पे आके, खाते में नहीं घर पे आके लेना मेरे। ये ढोकला मेरा बहुत मनपसंद है। अच्छा तो ये लड़का एकदम साइलेंस खड़ा, एकदम पता नहीं क्या हो गया, बोली नहीं हुई क्या, बोली नहीं हुई ना, 5 रुपए का फिन भी कोई लेने ही नहीं आ रहा है। 5 रुपए बाहर से ही सब चले जा रहे, अंदर तो कोई आ भी नहीं रहा है। रगड़ो है और चना खाएगा ये, वही तो सिद्दीकी रेहान भारत गेट कौन सी क्लास सिक्स आ रहा है। हाँ तो आ ही नहीं रहा यहाँ धंधा नहीं है, मजा तो आ रहा है लेकिन ये बच्चों से अगर आप लोगे तो बच्चों को थोड़ा हौसला बनेगा, ठीक है सर आगे चलते हैं। बेटा क्या नाम? कलीमुल्ला। कलीमुल्ला कलीमुल्ला क्या बनाया? गुलाब जामुन। कितने का 5 का 1 10 का दो, 5 का किला मुझे 5 का, मैं पैसा वहाँ दे दूंगा, पैसा वहाँ पे देना नहीं देते, यही देते पैसा। कहाँ से रेडीमेड का बनाया? तो क्या फायदा फिर, फूड बनाने दिए थे। अभी पता नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह गया है। हाँ पैसा क्या करेंगे जो रहेगा हम लोग अपना वाला ले लेंगे, बाकी जो अम्मी को दे देंगे घर पे। अच्छा मतलब अभी तो गुलाब जामुन बेच रहे हो, बड़े होके क्या बने? बड़े होके देखेंगे, जब पढ़ाई तो करने दो पहले। सोचा तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने वाला हूँ। माशाल्लाह खान क्या बना आप? खट्टा आलू मैंने घर वाले लोग, घर वाले अम्मी ने बनाया। 5 का 4 हाँ। क्या बनाया आपने? आपको क्या नाम है? आपका अंसारी गुलाम, अंसारी याहिया जुनेद। अच्छा क्या बनाया आपने आज? पानीपुरी। कौन बनाया पानीपुरी? मैंने। झूठ बोल रहे पानीपुरी तुमने? मेरे साथ तुमको बनाने कहाँ से सीखे हो? मोबाइल से। अरे बाप रे, बच्चे मतलब बच्चों का दिमाग बहुत अच्छा है, बच्चे ने मोबाइल से पानी पूरी सीखा है। बेटा आगे आ जाओ, बच्चे बहुत चिल्ला रहे, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है। ये यहाँ पर नन्नी मुन्नी बच्चियाँ हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा नाम क्या है? प्रिया। क्या बनाया आपने आज? हम लोग ने आलू चाट। अंकिता ने क्या बनाया? आलू चाट। आलू चाट कितने का? आलू चाट 5 का। 5 रुपए का? कितना बिका है? पता नहीं। तो पैसा क्या करोगे तुम्हारा? सर के पास देंगे। अरे बाप रे, आलू चाट बनाया किसने? हम लोग बनाया। आता तुमको कहाँ से सीखे हो? मम्मी ने सीखा। चलो बात है, मम्मी ने सीखा तो किसी ने यूट्यूब से सीखा। और भी यहाँ बच्चे। बेटा क्या नाम है आपका? निखत। निखत जी, निखत क्या बनाया आपने? नूडल्स। कौन बनाया नूडल्स? मेरी खाला ने। खाला ने बनाया। कितने का एक प्लेट है? 10 का। अच्छे लोग पसंद आ रहा है, मुझे टेस्ट कराओ जरा, मुझे टेस्ट कराओ। खत्म हो गया, थोड़ा सा मैं भी टेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा, एक चम्मच में बस। चाइनीज की दुकान खोलना है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? शिफा। कहाँ पे रहती हो? उमरा में। ये कौन है बता? ये मेरी बेटी है, ये तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ हंस रही है। क्या बनाई तुमने? नूडल्स। हाँ बिक गया पूरा? हाँ। वो छोटा सा टोपला है, क्यों बताओ? चलो तुम्हारा नाम क्या है? हीना। अरे ये भी है, क्या नाम है?
अल्फिया, ये मेरे दोस्त की बेटी है, तौसीफ है मेरा दोस्त की बेटी है। बेटा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में आप? फिफ्थ। मजा आ रहा है ना? तो ठीक है। नीता क्या बनाया? कौन चाट? कौन चाट? कौन चाट बता दे ना। बिग नहीं, बहुत बच गया है। बिकानी तो बिके का ना। अच्छा नहीं बनाए क्या? नहीं अच्छा बनाए। हाँ तो आप खा के देखो। मैं टेस्ट करता हूँ। थोड़ा 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 बस, एक एक चम्मच, एक चम्मच। अफशा। अफशा हाँ। जी स्कूल में कौन सी क्लास में? सेवन सेनेट, हम लोग एक ही क्लास के हैं। हाँ। कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है? सेकंड टाइम है। हाँ टेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे। शमा चम्मच दही बड़ा। और मेरा वो फेवरेट है। कितना प्लेट है? ₹5 का है। इतना सस्ता क्यों दे रहे? इतनी महंगाई में इतना सस्ता कैसे? पड़बड़ शर्मा लिया। चलो चलो चलो, क्या नाम है? निदा। निदा क्या बनाई? दही बड़ा। दही बड़ा पार्टनरशिप में? हाँ पार्टनरशिप में कंबाइन करके सब बनाए हैं मेरे घर पे। खुद बनाए? हाँ खुद बनाए। क्या बोला? मम्मी के साथ बस दही। मम्मी के साथ में मिल के बनाए ना। कौन सी क्लास में? टेंथ में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट ईयर है, बहुत याद भी आएगी सबकी। लास्ट ईयर है आपका, उसके बाद कॉलेज जाओगी? कॉलेज में सब कहाँ होता है। बहुत मिस करोगे? बहुत ज़्यादा। ये मज़ा नहीं आता कॉलेज का। चलो ठीक है। कहाँ से सीखी बनाने का? घर पे से। खुद बनाया कि मम्मी ने बनाया? अप्पी ने बनाया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है। अभी आ रहा है एक लड़की, टोपी पहनी है। टोपी कौन बनाया? क्या नाम है इसका? आपका नाम क्या है? खुशनुमा। मेरा थोड़ी पूछ रहा हूँ। आपका नाम क्या है? इब्राहिम शेख। मेरा नाम खुशनुमा। ये कॉन्फिडेंस बच्ची के अंदर, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या बनाया बेटा? मैंने मोमोज बनाई। मोमोज तो चाइना का, चाइना रहता है। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना मोमोज बिका अभी तक? अभी तक के 15 से 20। कितना लाए थे? क्वांटिटी 120 थी। 120 की कितना बिका? 15। तो बच गया अभी ना। कौन खाएगा? आप। मुझे मोमोज पसंद नहीं है। खा लो ना। कौन है आपका नाम? तभी बूढ़े उठाएगी। मेरा नाम आलिया है। आलिया। आलिया अभी 10th, सब लोग 10th में। हाँ टीम में हम लोग चार। ये लास्ट है अभी समझो, उसके बाद जो होगा फंक्शन अलग होगा। हाँ कॉलेज में ना। आपका नाम? मैं है। मैं कहाँ रहती हूँ? शिबली नगर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। मेरा नाम सानिया। चौथी की सानिया। तरन्नुम। अजरा। अल्फिया। अल्फिया जैसे आप लोग देख रहे हैं हमारे स्कूल का आज यहाँ पे फनफेयर रखा गया है सारा इंग्लिश हाई स्कूल का, और सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किए। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर कितना बेहतरीन रिस्पांस मिला है बच्चों की तरफ से, और पेरेंट्स की तरफ से और अच्छा है। सारे बच्चे जो इन्वॉल्व हैं सब ने अपनी तरफ से अलग अलग डिशेज बना के लाए हैं। आप देख सकते हैं हमारे मेन्यू के अंदर में इतने मेन्यू, इतने बच्चों ने मेन्यू के हिसाब से चीज़ प्रिपेयर किया, और जो भी बहुत अच्छे दामों पर है, बहुत अच्छे प्राइस में, जो ईज़िली अफोर्डेबल नहीं होते, बेहतरीन चीज़ें। जी हाँ, तो बच्चों की तरफ से थोड़ा लोड कम हो जाए क्योंकि वहाँ पे बच्चों के साथ मिसमैच हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों का, इसलिए हम लोग अपने हाथ में कंट्रोल रखें। बाद में हम लोग बच्चों के साथ में बैठ के हिसाब करें कि इसका क्या मिला है, देखा जाएगा कितना बेनिफिट मिला है इसमें। अभी हमारे साथ बात करने के लिए सारा इंग्लिश हाई स्कूल के प्रिंसिपल नदीम सर, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये प्रोग्राम कैसा था और कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और ये रखने का मकसद क्या है। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपका मकसद क्या रखना है? मेरा मकसद ये था कि लॉकडाउन के बाद जब ये स्कूल शुरू हुए
तो लॉकडाउन के लॉकडाउन में तो बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते थे वो एक्टिविटी से महरूम थे। लॉकडाउन के पहले भी हमारे वहाँ यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, स्पोर्ट्स होता है, फन फेयर होता है और अलग अलग पिकनिक लेके जाते हैं हम लोग। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो लॉकडाउन की वजह से 2-3 सालों से हम लोग ने ये नहीं किया था। ये पहली लॉकडाउन के पहले लॉकडाउन के बाद ये हमारे पास पहला मेजर इवेंट करने जा रहे हैं हम लोग। अब इसमें जो हम लोगों ने क्या किया, हमारा प्लान ये था कि भाई हम नीचे के सेक्शन में ऊपर के सेक्शन में दोनों जगह पे इतने स्टॉल लगाएं और हर बच्चा इसके अंदर पार्टिसिपेट करे। क्योंकि देखिए कैसा है कि टैलेंट जो है ना वो किसके पास होगा, अमीर के पास होगा, गरीब के पास होगा, टैलेंट ये नहीं है। टैलेंट किसी के पास भी हो सकता है, दिखाने का प्लेटफॉर्म, दिखाने का प्लेटफॉर्म जो क्रिएट करना ये हम लोग, ये हमारा और आपका काम है। मैंने भी बहुत सी बच्चियों से बात किया, एक बच्चे ने तो बोला आपके सारा इंग्लिश स्कूल का बच्चा है, उसने बोला मुझे डॉक्टर बनना है। उसकी सोच इतनी है अगर वो यहाँ से डॉक्टर बन के जा, अगर यहाँ से डॉक्टर बनता तो बोलेगा कि मैं सहारा में पढ़ता था। आपके लिए मैं गर्व की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अभी यहाँ से जो पास आउट हुए हैं बच्चे पहले, तो वो अब जो है वो वहाँ पे अलग अलग एब्रॉड में जाकर भी वो जॉब कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। अच्छा। बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पर भले ही हमारा स्कूल छोटा है सब कुछ है, लेकिन हमने रूट से बेसिक एजुकेशन तो देने की कोशिश की है। एक छोटी सी कोशिश है जिसको अल्लाह आपकी आपके सपोर्ट से, आप लोगों के सपोर्ट से, लोकल बॉडीज़ के सपोर्ट से हम लोग इसमें होने में करने में कामयाब हुए हैं। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट? अभी हम लोग जो है वो खाने के स्टॉल हमारे पास 26 से 27 खाने के स्टॉल लगे हुए हैं। और हमने इसमें एक नया चीज़ जो पिछले साल भी हमने छोटे पैमाने पे किया था, लेकिन एक नया चीज़ गेम जोन टाइप का हम लोग ने रखा है उसमें। हाँ, एक माले पे 7 से 8 गेम वहाँ पे रखे बच्चों ने बहुत ही कम खर्चे में, यानी एकदम वेस्ट मटेरियल समझो आप, वेस्ट मटेरियल से लोगों ने वो चीज़ें जमा की है। एक एक रुपये की मोमबत्ती से भी गेम, बस बिल्कुल सोचिए ना आप। यानी कि हम लोग सिर्फ बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए नहीं, मतलब दिमाग भी पता चलता है बच्चा कितना है इसमें। देखिए आगे चल के कौन बिग बिलियनर बन सकता है ये बोल नहीं सकते हम लोग। तो उसके अंदर जो बिजनेस की स्किल है वो स्किल को उभारने के लिए, कोई शेफ बन सकता है कोई अच्छा चल के, कोई होटल में अच्छा अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकता है, ढाबा खोल सकता है ना। तो बिजनेस के आइडियाज़ छोटे छोटे बच्चों में कैसे डेवलप किए जाए उसको निखारने के लिए करने के लिए हमने ये यहाँ पर इवेंट रखा था। तो गेम जोन रखा है हम लोगों ने और बाकी सारी चीज़ें रखी है। यहाँ पर सिस्टम भी हमने ऐसा रखा कि भाई लोकल लोग हैं यहाँ पर, ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, लोगों के पास हैंड टू माउथ ब्रेड एंड बटर के लिए डेली वेजेस पे काम करते हैं लोग। तो हमने कॉस्ट भी बहुत मिनिमम रखा है, 5 रुपये का 10 रुपये का डिश रखा है ताकि हर कोई यहाँ पे आए आके खा के जाए। पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा? अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का बहुत ओवरवेलमिंग हम लोगों को यहाँ पे रिस्पॉन्स रहा। उन लोगों ने हमेशा हमेशा से, लॉकडाउन रहा हो या लॉकडाउन के बाद रहा हो, हमको हमेशा यहाँ पे सपोर्ट किया है और लोकल बॉडीज़ ने भी हमको यहाँ पे हमेशा सपोर्ट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।